आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे बायसिंग, कि बायसिंग क्या होता है। बायसिंग पीएन जंक्शन का बायसिंग अभी हम लोग फिलहाल समझेंगे। फिर फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, और इस बायसिंग का डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डिप्लेशन लेयर कहने का मतलब कि जो पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर बनते हैं उस पर इसका क्या इफेक्ट होता है, कब करंट फ्लो करता है, कब करंट फ्लो नहीं करता है। साथ ही साथ हम लोग इसका कर्व देखेंगे। कर्व कहने का मतलब कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कैसे फ्लो होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, फिर रिवर्स बायसिंग के लिए करंट और वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन होता है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे डिटेल में। तो थोड़ा सा बायसिंग समझते हैं। बायसिंग एक प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है? तो बायसिंग में पीएन जंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल डीसी सोर्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा हम डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं। डीसी सोर्स जरा याद कीजिए, पीएन जंक्शन क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं पीएन जंक्शन वहां पे कैसे डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है, उस चीज को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। एन टाइप और पी टाइप क्या होता है इसमें? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर में। क्यों? क्योंकि इसमें पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करते हैं। और पी टाइप में क्या होता है, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी को हम लोग ऐड करते हैं, इसलिए इसमें क्या होते हैं, होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। होल्स क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर। और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं। क्यों होते हैं, इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों इसमें इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी होते हैं और क्यों इसमें होल्स मेजोरिटी होते हैं। यहां पे क्या बनता है, एक डिप्लेशन लेयर बनता है। क्या बनता है, डिप्लेशन लेयर। वो कैसे बनता है, इस चीज को जरा एक बार देखते हैं। अभी तक यानी जो एन टाइप थे उसमें कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं थे, यानी वो कैसे स्टेट में थे, न्यूट्रल स्टेट में थे। न्यूट्रल स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी चार्ज का क्रिएशन नहीं हुआ था। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। कब? जब हमने पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को इसमें क्या किया था, डोपिंग करवाया था। लेकिन डोपिंग करवाने के बाद भी कोई इसमें चार्ज अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का डोपिंग नहीं करवाते हैं बल्कि पूरा का पूरा एटम को डोपिंग करवाते हैं, इसीलिए इसमें कोई चार्ज नहीं थे। इसमें भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब एन टाइप यानी पीएन जंक्शन बनता है तब क्या हो रहा था कि यहाँ के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इस वाले एन साइड के तरफ के फ्री इलेक्ट्रॉन, वो होल्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ये रोटेट करते रहते हैं एटम में, तो ये इसको स्टेबल होने के लिए इस होल के पास स्पेस मिला, यानी वैकेंट स्पेस मिला, यानी यहां आकर के वो क्या हो जाते हैं, अस्टेबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अस्टेबल हो जाते हैं। अब बताइए, वो अगर अस्टेबल हो गया, इलेक्ट्रॉन होल्स में आकर के अस्टेबल हो गया, तो बताइए अब क्या वो चार्ज कैरियर रहा। चार्ज कैरियर रहा कहने का मतलब क्या हुआ, पहले अगर हम इसमें कोई करंट या फील्ड अप्लाई करते तब वो जो इलेक्ट्रॉन थे एक डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते, रोटेट करते, यानी एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करते और वो करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। लेकिन बताइए तो जरा अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के स्टेबल हो गए, तो क्या ये अब करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, नहीं होंगे। यानी यहाँ पे अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के और यहाँ पे स्टेबल हो गया, यानी इस जगह पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आया है उस जगह पे क्या क्रिएट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। और जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज। और हम इसको डिप्लेशन लेयर क्यों बोल रहे थे, क्योंकि
इस जगह के जितना दूर के इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं, उतना दूर के चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। डिस्प्लेस्ड कहने का मतलब कि चार्ज कैरियर अब वहाँ वो चार्ज कैरियर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये होल्स में जा करके अस्टेबल हो जा रहे हैं। तो इतना दूर के जिस रीजन के जितना रीजन के चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइन हो रहे हैं, उसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। उसी रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन। अब हम बता रहे हैं कि बायसिंग क्या होता है। ये बेसिक था क्योंकि बायसिंग के लिए हमको इस चीज़ को जानना जरूरी है। बिना इसको समझे हम लोग बायसिंग में कुछ हाथ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बायसिंग बोलते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स को क्या करना, अप्लाई करना। एक्सटर्नल सोर्स हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला तो हम एक पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी पी टाइप को पी से कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होता कि हम इसको क्या करते हैं, इधर वाले को प्लस रखते हैं और इधर वाले को माइनस रखते हैं। मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। अब एक को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और एक को बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। फॉरवर्ड बायस क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कब बोलते हैं, और रिवर्स बायस किसको बोलते हैं और कब बोलते हैं, और उसका इफेक्ट इस डिप्लेशन लेयर पे क्या होता है, हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, समझते हैं। देखिए, फॉरवर्ड बायस के लिए जो डिफिनेशन है वो इस तरीके से है कि हम लोग इस जो यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो रहा है, यानी पॉजिटिव ओवरऑल चार्जेज हुआ यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो बैटरी का कनेक्शन इस प्रकार से किया जाए, कि यहाँ पे जो फील्ड का डायरेक्शन है उसको ये अपोज करे, यानी कुछ इस डायरेक्शन में। तो बताइए कि कैसे करना होगा हमको। यानी अगर हम यहाँ पे पी वाले के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऐड कर दें और एन वाले के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऐड कर दें, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए क्या कंडीशन है कि जब हम लोग फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग बायसिंग करते हैं या बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तब इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। या दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि जब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट करेंगे, तब इस प्रकार के बायसिंग को क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाएगा। अब इसमें कैसे कैसे क्या वर्क करता है, कैसे करंट फ्लो करता है और कैसे डिप्लेशन लेयर इसको रोकने का काम करता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब हमने क्या किया, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया, एन साइड से कनेक्ट कर दिया। यानी जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे अब उस पर ये बैटरी अपना इफेक्ट दिखाएगा। क्या करेगा, बैटरी अपना इफेक्ट दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, इस चीज़ को जरा समझिए। हमने शुरू में ही बताया कि हमको बैटरी इस तरीके से कनेक्ट करना है कि यहाँ का डिप्लेशन लेयर क्या हो, डिक्रीज कर जाए। डिक्रीज कैसे करेगा, डिप्लेशन लेयर बन रहा था कैसे, जरा इस बात को समझिए। डिप्लेशन लेयर बन रहा था, यहाँ के जो चार्ज कैरियर थे वो क्या हो रहे थे, डिप्लेट हो रहे थे। कहने का मतलब कि वहाँ का चार्ज कैरियर अस्टेबल हो जा रहा था, इलेक्ट्रॉन होल से जा करके क्या हो रहा था, मिल जा रहा था। इसी वजह से ना डिप्लेशन लेयर बन रहा था। तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कैसे होगा, और इसी के वजह से जो चार्ज क्रिएट हो रहे थे उसके वजह से वहाँ पे फील्ड बन रहा था। यानी पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहा था और जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था उसमें फील्ड बन रहा था। यानी कहने का मतलब कि इस वाले बैटरी का जो कनेक्शन होगा, इस वाले फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल आउट करने का काम करेगा। यानी कैंसिल आउट करेगा तो इसका जो फील्ड होगा वो डिक्रीज होगा और पोटेंशियल बैरियर क्या होंगे, कमेंगे। कैसे कमेंगे, ये तो फील्ड के टर्म में हो गया। इलेक्ट्रॉन से जरा समझते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल के टर्म में समझते हैं कि कैसे वहाँ पर ये जो डिप्लेशन लेयर है वो डिक्रीज करेगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, होल्स है। इधर देखिए, ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन अब रुक गए थे, क्यों रुक गए थे, रिकम्बाइन होना रुक गए थे इधर, वो अब फिर से क्या करने लगेंगे, जाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इसको अब वैल्यू मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग करने का वैल्यू क्या कर गया, मिल गया। यानी ये वैल्यू अब क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाने लगेंगे, फिर से इसके पास जाने का मतलब इच्छा जाहिर करेंगे या बोले कि जाने लगेंगे, लेकिन कब जाने लगेंगे।
जो यहाँ से क्रिएशन हो रहा था कितना सिलिकन के लिए कितना क्रिएट होता है 0.7 और जर्मेनियम के लिए कितना क्रिएट होता है 0.3। उससे उस लेवल तक यानी इस वोल्टेज के वैल्यू को हम लोग अगर 0.7 तक बढ़ाएं तब ये रिकम्बिनेशन फिर से शुरू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाला इस डायरेक्शन में अपना इफेक्ट दिखा रहा है, हमने इसके अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट वाले को अप्लाई कर दिया है। अगर हम सिलिकन के लिए बात करें तो 0.7 यहाँ पे जनरेट हो रहा था और 0.7 हमने दे दिया, 0.7 दे दिया वैल्यू, तब बताइए कि यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, खत्म हुआ कि नहीं। एक्चुअल में डिप्लेशन लेयर खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो अपना इफेक्ट दिखा रहा था डिप्लेशन लेयर, वो अब इफेक्ट दिखाना क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब बताइए कि फिर से ये अपना रिकम्बिनेशन शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी फिर से वो क्या करेगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस होल के पास जाना शुरू करेगा और इधर वाला इलेक्ट्रॉन इस होल के पास जाना शुरू करेगा और फर्दर वो आगे यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी इलेक्ट्रॉन वो क्या कर लेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उठ रहा है वो पूरा यहाँ पे सर्किट को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से जब वैल्यू कितना वोल्ट देते हैं, 0.7 वोल्ट देते हैं, अगर इसका ग्राफ देखें 0.7 वोल्ट देते हैं तब यानी 0.7 के पास यानी करंट का जो कुछ वैल्यू होगा, करंट का कंडक्शन होगा, होने लगेगा। लेकिन अगर हम और यहाँ से वैल्यू का वोल्टेज का वैल्यू को क्या करें, इंक्रीज कर दें, क्या करें और वैल्यू वोल्टेज का इंक्रीज कर दें, तब बताइए कि डिप्लेशन लेयर का जब कोई इफेक्ट ही नहीं है तो बताइए शार्पली करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। यानी 0.7 वोल्ट के बाद सिलिकन के लिए ये जो डिप्लेशन लेयर है इसका कोई इफेक्ट नहीं है और वहाँ से करंट क्या हो रहा है, शार्पली इंक्रीज कर रहा है। इसी वोल्टेज को बोला जाता है नी वोल्टेज, क्या बोला जाता है, नी वोल्टेज, और इसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी तीन नाम से ये जाना जाता है। ये तो हम लोग फील्ड के टर्म में देखें, थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। जरा देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ये इलेक्ट्रॉन ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कब, जब हमने सप्लाई को कनेक्ट नहीं किया था, जब सप्लाई को कनेक्ट नहीं किया था तब यहाँ पे रुक गए थे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना रुक गया था, लेकिन जब हमने सप्लाई दिया तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, कौन, नेगेटिव टर्मिनल, इसको रिपेल किया और फिर से ये आगे बढ़े, यानी यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और फिर फर्दर इस वाले बैरियर को वो क्रॉस करके क्या होंगे, बाहर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब डिप्लेशन लेयर कैसे कमता है, थोड़ा इस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रॉन और होल्स के टर्म में देखते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ से जो ये पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे और भी होंगे पॉजिटिव चार्ज ना, और भी होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को जा करके क्या करता है, भरने का काम करता है, यानी जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो इधर से उठ करके यहाँ पे चला गया था उसके पास ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है। यानी ओवरऑल देखें तो कुछ देर तक ये वाला काम होता है और इस तरीके से वो डिप्लेशन लेयर को कम करने का काम करता है और फिर वो आगे बढ़ता है और यहाँ से इस तरीके से और आगे भी वो बढ़ता है। इधर से देखें तो इस होल जो ये जो होल आपको दिख रहा है, इस होल पे ये पॉजिटिव टर्मिनल अपना इफेक्ट दिखाता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं उस इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया था, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तभी ना होल इधर होगा। एक्चुअल में होल क्या कोई पार्टिकल है, होल कोई पार्टिकल नहीं है, ये होल इधर मूवमेंट तब करेगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर बढ़ेगा। यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा और इस तरीके से वो नेगेटिव पर आकर के क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बताइए कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अब इधर बढ़ रहा है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो उठा वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बदले में यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आकर के खत्म। यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से यानी एक साइड से निकला और वो दूसरे साइड में जाकर के मिल गया, लेकिन ये वैल्यू ये जो काम हो रहा है वो कब काम होगा, 0.7 तक तो डिफ्यूजन का काम फिर से शुरू हो जाएगा जब 0.7 हम लोग सप्लाई देंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ का जो वैल्यू है ये वाला कमा था क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया था और यहाँ, तो ये वाला क्या हो गया था, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज कर गया था, लेकिन 0.7 के बाद क्या होगा, ये वाला का कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा,
क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो रहा था उतना तो हम दे ही दिए इसको कैंसिल आउट करने के लिए। उसके बाद अगर सप्लाई इसमें बढ़ाया जाए तो शार्पली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं, इसी कर्व को बोलते हैं हम लोग वी आई कर्व या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी को बोला जाता है। तो ये है फॉरवर्ड। आगे हम लोग देखते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए कि कैसे वो वर्क करता है। देखिए फॉरवर्ड बायस के लिए हम लोग बायसिंग देखें, अब रिवर्स बायसिंग के लिए कैसे इसमें हम लोग सप्लाई को कनेक्ट करें। अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों क्रिएट होता है, हमने ऑलरेडी बताया जब यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है तो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। लेकिन इस बार हम लोग को एक्सटर्नल का सप्लाई और एक्सटर्नल इस तरीके से कनेक्ट करना है, इस तरीके से कनेक्ट करना है। यहाँ का जो फील्ड क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, उस फील्ड को ये क्या करे, सपोर्ट करे, क्या करे, सपोर्ट करे। या दूसरे शब्दों में बोले कि जो यहाँ पोटेंशियल बैरियर बन रहा है उस पोटेंशियल बैरियर को क्या करे, और स्ट्रॉन्ग करने का काम करे। लेकिन फॉरवर्ड बायस में क्या था, फॉरवर्ड बायस में था यहाँ का जो फील्ड बन रहा है उस फील्ड को ये कैंसिल आउट करने का काम कर रहा था। हम लोग इस प्रकार से बायसिंग कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कि जो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो रहा था उसको कैंसिल आउट करने का काम कर रहा था। फॉर बायसिंग में हमने समझा, रिवर्स बायसिंग में इसका जस्ट क्या होगा, उल्टा होगा। या अगर टर्मिनल कनेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो पी टाइप को हम लोग किसके से कनेक्ट करेंगे, एन से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, और एन टाइप को हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। इससे कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से, तो जरा बताइए तो ये नेगेटिव है और यहाँ से हम ऑलरेडी पहले से यहाँ पे नेगेटिव था, हमने और उसको सपोर्ट करने का काम किया कि नहीं, और नेगेटिव के भाई हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया इधर पॉजिटिव के भाई। तो बताइए कि अब इधर से और फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, पहले से फ्रेंड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, अब और भी इस फ्रेंड को सपोर्ट करने का काम कर रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक बात और, यानी फील्ड इंक्रीज कर जाएगा यानी पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये तो पोटेंशियल बैरियर डिप्रेशन लेते हैं, एक्चुअल में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और जो होल है उसके टर्म में कैसे यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, जरा इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे मतलब की चार्ज कर रहे थे, यहाँ पे क्या थे, होल थे, यहाँ पे होल थे। अब होता क्या है उस चीज को जरा समझिए। देखिए यहाँ से क्या है, होल से इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे और सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इस होल के पास जाएंगे, किसके पास, इस होल के पास जाएंगे। इस होल के पास जाने के बाद यानी इधर से जो इलेक्ट्रॉन चला वो इसके पास गया, फिर और आगे ये बढ़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अब बताइए इसके बाद आगे बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इसको किसके जैसा यानी अपने जैसा मिल गया पहले से, यानी ऑलरेडी पहले से नेगेटिव था और फिर से ये नेगेटिव चला, पॉजिटिव था तब तो ठीक था, पॉजिटिव को पार किया और कहाँ जा करके पहुँच गया, इसके पास, जहाँ से फोटा मिल गया, रिपल्सर मिल गया। तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और नेगेटिव के वैल्यू को क्या करने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, नहीं इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा करके इस होल के पास चले गए, इस होल के बाद आगे हो रहे हैं यानी यहाँ पे जा करके जमा हो, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसको क्या मिल गया है, अपने जैसा मिल गया है, यानी इधर से जा सकती। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, यहाँ समझिए कैसे हुआ है पॉजिटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उठेंगे और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे चले आएंगे, यानी ये पॉजिटिव के पास। तो बताइए यहाँ पे क्या होंगे, और इतना दूर के जो इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएंगे, तो बताइए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बनने का काम किया कि नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन के टर्म में देख रहे हैं कि अब इतना दूर के जो लेयर हैं क्या हो गए, अब डिप्लेटेड हो गए, यानी इतना दूर के चार्ज के लेयर क्या हो गए, डिप्लेटेड हो गए या खत्म हो गए, होल से जाकर के मिल गया। तब जरा बताइए यहाँ पे डिप्लेशन लेयर बढ़ा या कम, क्या हुआ, बढ़ गया। फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था, कम रहा था, कम कैसे रहा था वो हमने दिखाया, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है और फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है,
स्ट्रॉन्ग हो रहा है और क्या हो रहा है, डिप्लेशन लेयर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी अभी तक हम देख रहे हैं कि कहीं भी ना तो होल इधर से उधर जा रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को पार कर पा रहा है, यानी कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि एन टाइप में और पी टाइप में सिर्फ मेजोरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं। क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और पी साइड की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। और होल्स एन साइड की तरफ क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। ये किसके तरफ होते हैं, पी साइड की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और एन टाइप की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन, होल। तो जरा बताइए तो इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए जो ये आपको बायसिंग दिख रहा है, क्या ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, जरा बताइए। इस नेगेटिव के लिए फॉरवर्ड बायस कब बोले, जब उसका इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है वो किससे कनेक्टेड हो, नेगेटिव से, और होल वाला जो पार्ट है वो किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से, तभी तो फॉरवर्ड बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन वाला किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है कि नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं। तो इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब कैसे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ करंट फ्लो होता है, जरा इस चीज को समझिए। यानी जब यहाँ से सप्लाई नहीं दिया हुआ था तब तो ठीक थे, यहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही हमने सप्लाई दिया तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन कौन इस पे इफेक्ट डालने का काम कर रहा है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है कौन कौन, देखिए सबसे पहले तो ये अपना इफेक्ट डाल रहा है ये वाला, और इसको और इफेक्ट कौन डालने का काम कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने का काम करेगा, खींचने का काम करेगा। और यहाँ पे तो होल है ही, वो और इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे फिर क्या मिल जाएगा इसको, पॉजिटिव। यानी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाएगा। यानी यहाँ कब होगा, जब हमने सप्लाई को कनेक्ट किया तब, इसके वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या होंगे, करंट फ्लो करेगा। और ये स्मॉल अमाउंट कितना होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा, किसमें होगा, माइक्रो एम्पियर में स्मॉल अमाउंट का करंट क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे और इस तरीके से पूरा सर्किट को क्या करने का काम करेगा, कंप्लीट करने का काम करेगा। तो बताइए इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इसके अपोजिट आई इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सैचुरेटेड करंट है, इसका वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा नहीं होते हैं, कम ही अमाउंट में पाए जाते हैं, ऐसा कह टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर। जरा इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट में करंट क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो हो रहे हैं। और इसी को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेटेड करंट में, और ये वैल्यू किसमें है, माइक्रो एम्पियर में वैल्यू नहीं है, किसमें है, माइक्रो एम्पियर में। लेकिन फॉरवर्ड बायस का जो करंट होता था वो किसमें होता था, मिली एम्पियर में होता था, कुछ कर्व उसका कैसा बनता था, कुछ किस तरीके का कर्व बनता था उसका। लेकिन ये वाला का क्या होता है, ये वाला जो वैल्यू हो रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज करंट की वजह से हो रहा है। अब थोड़ा सा देखिए कि इसके बाद क्या होता है, हम वोल्टेज को यहाँ पे और इंक्रीज करेंगे। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगा रहा था या जो इधर से खींचने का काम कर रहा था होल, उसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब ये डिप्लेशन लेयर जो आपको दिख रहा है, इस लेयर में इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा। अब एक्चुअल में क्या यहाँ पे कोई चार्ज है, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यानी कहने का मतलब जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर थे यहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं है, तो चार्ज कैरियर नहीं है तो इसका मतलब कि इसके पास जो सिग्नल था वो तो होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, बढ़ने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमने वोल्टेज का वैल्यू और बढ़ाना शुरू कर दिया। अब और बढ़ाना शुरू कर दिया तो ये यहाँ पे क्या करेगा, तांडव करेगा। तांडव करने का मतलब कि यहाँ पे जो इसके क्या है, बॉन्ड है या जो सिलिकॉन एटम है उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड है, वैलेंस बैंड है जो, वो क्या होंगे, ब्रेक करने का काम करेंगे। यानी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाने का काम करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड में। हम बताए थे आपको
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने का काम करेगा कब, जब इसके कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक करेंगे। किसके वजह से ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, किसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, किसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, तो जो माइनॉरिटी चार्ज है जिसको तोड़ करके जा रहा था उसको बढ़ने की वजह से क्या हो रहे हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। और बताइए अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो और भी यानी इस ये माइनॉरिटी चार्ज करियर अपनी वजह से ये और भी इलेक्ट्रॉन को जनरेट कर रहा है, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। अब ये दोनों मिल करके और दो इलेक्ट्रॉन जनरेट करने का काम करेंगे, ये और दो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करने का काम करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और शार्पली एक टाइम के बाद ये जो करंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और जिस वोल्टेज पे ये करंट इंक्रीज करता है उसको बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बोला जाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज या एवलांचे, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एवलांचे ब्रेकडाउन। क्या बोला जाता है, एवलांचे ब्रेकडाउन। लेकिन जरा बताइए ये वाला हो किसकी वजह से रहा था, ये हो रहा था जब हम सप्लाई यहाँ पे ऐड कर रहे थे उस सप्लाई की वजह से इस माइनॉरिटी चार्ज करियर के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे थे, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से यानी हीट की वजह से यहाँ पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे थे प्योर सिल्कर एटम के, और फिर वो करंट को बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो जो जरा बताइए कि अगर और इस पॉइंट से अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें यानी यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे के सारे पूरे मटेरियल को ही क्या करने का काम करता है, खराब कर देने का काम करता है। यानी इसके बाद भी अगर और आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो ये जो बैरियर बन रहा है या जो डायोड बन रहा है ये डायोड ही क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। किसकी वजह से, हीट की वजह से क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। यानी ओवरऑल अगर हम इसका रिजल्टेंट देखें तो क्या मिला हमको, हमको मिला फॉरवर्ड बायस में स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है, और उस करंट का वैल्यू कितना होता है, मिली एम्पियर में होता है इसमें, और इसमें डिप्लेशन लेयर का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, तो जो फील्ड का जो डायरेक्शन था उसको अपोज करके यानी पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज करके, पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज करके फील्ड के डायरेक्शन को अपोजिट में अप्लाई करके, जहाँ पे यहाँ फील्ड बन रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग सप्लाई को कनेक्ट करके उसके फील्ड को कैंसिल करके पोटेंशियल बैरियर को डिक्रीज करते हैं, इससे डिप्रेशन लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और करंट का वैल्यू किसमें होता है, मिली एम्पीयर में होता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करता है, लेकिन उस स्मॉल का वैल्यू कितना होता है, माइक्रो एम्पीयर में उस स्मॉल का वैल्यू होता है, कितना होता है, माइक्रो एम्पीयर। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और बोले तो पोटेंशियल बैरियर भी क्या होते हैं, इसके इंक्रीज होते हैं, फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो ये इसके रिजल्टेंट है, यानी जो इफेक्ट है बायसिंग का इफेक्ट इस प्रकार है, मतलब कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर क्या होते हैं, कम जाते हैं यानी डिक्रीज कर जाते हैं, और रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये था बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और इफेक्ट ऑफ बायसिंग ऑन डिप्लेशन लेयर। साथ ही साथ उसका कर्व, इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज करंट यानी वी आई कर्व। अगर हम लोग फॉरवर्ड को देखें तो ये हो गया फॉरवर्ड के लिए और ये हो गया रिवर्स के लिए, इसको हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और इसको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो क्लियर होगा हम लोग के लिए, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ देखते रहिए। धन्यवाद। लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।